हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ कैरी का आम पन्ना। तो यहाँ मैंने दो कैरी लिए है, कच्चा आम, और इसको मैंने वॉश करके कट करके रखा है। अब मैं इसको बॉईल करने रख दूँगी। तो यहाँ मैंने पतीली में थोड़ा सा पानी रखा है, उसमें मैं ये जो कटे हुए स्लाइसेस हैं और गुठली है सब एक साथ मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद हल्का सा नमक आप दे भी सकते हैं, ऑप्शनल है, या ना भी दें, दे देंगे तो जल्दी गल जाएगा। और उसके बाद मैं इसको ढक के कम से कम 5 से 10 मिनट बॉईल करने रख दूँगी। पहले हाई फ्लेम करेंगे, उसके बाद हम फिर 5 मिनट स्लो फ्लेम पे हम इसको बॉईल करने रख देंगे। तो जब गल जाए तो उसके बाद हम जब देखिए तो जब ये गल चुका उसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया और अब मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ। और इसका जो गुठली थी, गुठली को मैंने हाथ से निकाल लिया था, उसका पल्प और इसमें ऐड कर दिया और गुठली फेंक दी। उसके बाद अब मैं इसको मैश कर रही हूँ। चाहे तो आप फोक से मैश कर लें या चम्मच से कर लें। पहले तो मैंने इसको फोक से मैश किया, उसके बाद फिर अब मैं चम्मच से इसको अच्छे से पूरा मैश करके जितना भी इसका पल्प है वो स्ट्रेन कर लूँगी। तो अच्छे से हम इसको पूरा इसका पल्प हम निकाल लेंगे और जो लास्ट का बचेगा वो हम इसको फेंक देंगे। तो लास्ट का ऐसे तो बचता नहीं है, मतलब अच्छे से अगर आप इसको पानी ऐड करते जाएंगे ना तो ये पूरा ही निकल जाएगा, पर लास्ट का मैं थोड़ा सा फेंक देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा इसमें रेशा रेशा रहता है। तो ये देखिए, ये मैंने ये फेंक दिया। उसके बाद हम डबल स्ट्रेन करेंगे। तो ये जब हम ये स्ट्रेनर निकालेंगे तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा, अंदर में इसको पल्पी पल्पी नज़र आएगा, पर वो अभी जब हम इसमें चम्मच लगाएंगे ना, चम्मच मारेंगे तो देखिए ये फिर पूरा पूरा डिसॉल्व हो जाएगा पानी में। लेकिन हम इसको एक और बार स्ट्रेन करेंगे क्योंकि ये मुंह में आएगा, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और मुंह में आएगा और फिर वो गले में फंसता है पीने में। तो इसको एक बार और हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए, अभी मैं तो चला रही हूँ इसको, उसके बाद अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। और हाँ, हाथ मैंने वॉश कर लिया था, मैंने जो प्लेटफॉर्म पोंछा उसके बाद मैंने हाथ वॉश कर लिया। आप मेरे हाथ में पानी भी देख सकते होंगे। तो बस अब या तो आप जिस जग में इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या बोल में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसमें आप इसको एक बार लास्ट फाइनल स्ट्रेन कर लें। तो ये देखिए मैं स्ट्रेन कर रही हूँ, तो देखिए तभी भी कितना पल्प निकल रहा है। ये देखिए, इसको भी हम हल्का सा मतलब एक दो चम्मच एक बार चला लेंगे तो जो और भी इसका जो थिकनेस रहेगी वो निकल जाएगी, जो उसका पल्प रहेगा, और एकदम हमें फाइन और एकदम स्मूथ हमको वो जो उसका जूस है वो मिलेगा, जो गले में भी नहीं फंसेगा और बहुत ही मज़े का लगेगा। तो बस इसे आप बनाएं और इन्जॉय करें। और मेरे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करें। तो यहाँ देखिए, अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं या फिर मिश्री ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो। और यहाँ अब मैं पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, काला नमक, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। और यहाँ मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया, वो भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो बस दैट्स इट, इतना ही है। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार, और गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है ड्रिंक, बहुत ही सेवियर है, हमारे बॉडी को कूल रखता है। और ज़रूर इसे आप बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो आप लोग देखते हैं पर कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जो देखते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस बन गया, इसे हम चाहे तो ठंडा करके एकदम चिल्ड करके पिएं या आइस क्यूब्स डाल के पिएं, बहुत ही मज़े का लगता है। तो बस तब तक के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।